एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आज बड़ी गंभीरता पूर्वक आप सभी विद्वानों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का। बीते कुछ समय से इस पर देश में चर्चा प्रारंभ हुई है। कुछ राजनीतिक दलों ने भी हर 4-6 महीने पर होने वाले चुनावों की वजह से देश पर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है, संसाधनों पर जो दबाव पड़ता है, उस पर चिंता जताई थी। अब देखिए 2009 के लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो उस साल चुनाव कराने में लगभग 1100 करोड़ का खर्च आया था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव का खर्च लगभग 4000 करोड़ रुपया आया था। इसके अलावा उम्मीदवारों का, पार्टी का खर्च अलग, एक एक चुनाव में हजारों कर्मचारियों की तैनाती, लाखों सुरक्षा बलों का इधर से उधर होना भी व्यवस्था पर दबाव बनाता है। जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो सरकार उतनी आसानी से फैसले भी नहीं ले पाती है। वहीं इसके ठीक उलट दुनिया के कई देश हैं जहां पर चुनाव की तारीख फिक्स रहती है, लोगों को पता रहता है कि उनके देश में कब चुनाव होगा, किस महीने चुनाव होगा, किस तारीख को होगा। इसका फायदा यह होता है कि देश हमेशा चुनाव के मोड में नहीं रहता है। पॉलिसी, प्लानिंग, प्रोसेस और उनका इंप्लीमेंटेशन ज्यादा एफिशिएंट रहता है और देश के संसाधनों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ता है। एक साथ चुनाव का भारत पहले भी अनुभव कर चुका है और वो अनुभव बहुत सुखद था, लेकिन हमारी कमियों की वजह से ये व्यवस्था भी टूट गई। मैं आज संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर इस चर्चा को आगे बढ़ाने का आग्रह करूंगा। एक मंथन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, विचार आने चाहिए। ये रास्ता सही होगा, गलत होगा, लेकिन चर्चा तो हो। हम कब तक इन कमियों से दूर भागते रहेंगे।